ओके सॉरी, गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी जो क्वेश्चन है, दिस कैन बी सॉल्व ओनली अंडर वन कंडीशन. अ शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट. इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू करंट इंड्यूस इन द कॉइल. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स वेर टू बी क्वाड्रपल्ड, नंबर ऑफ टर्न्स अगर क्वाड्रपल कर दिए मतलब फोर टाइम्स कर दिए, एंड द वायर रेडियस हाफ्ड, रेडियस ऑफ द वायर इसको हाफ कर दिया, द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी. आपको इलेक्ट्रिकल पावर कितना डिसिपेट होगा ऐसा पूछा है. तो इलेक्ट्रिकल पावर ये ई स्क्वायर बाय आर होता है, तो पता ही है. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन. ईएमएफ इंड्यूस्ड इट इज माइनस डी फाइव बाय डीटी, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दिस इज बेसिकली एन इंटू बी इंटू ए, क्योंकि फ्लक्स होता है बी बार डॉट ए बार विच इज बी ए कॉस थीटा, और अगर एंगल में जीरो लेता हूँ तो कॉस जीरो इज वन. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे एन और ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बी बाई डी टी इज वेरिंग. तो यहाँ से आपको यू विल सी ई एम एफ इज प्रपोर्शनल टू एन इंटू ए. ई एम एफ एन इंटू ए को प्रपोर्शनल आ गया. रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता होता है, इट इज प्रपोर्शनल टू, इफ यू रिमेम्बर, एल बाई ए एरिया होता है प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर. गुड, तो ये दोनों मैं इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री यू हैव पावर इक्वल टू या प्रपोर्शनल टू, बेटर ऑफ प्रपोर्शनल टू ई स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन रजिस्टर मतलब एल अपॉन आर स्क्वायर गया ऊपर. फिर जो एरिया है, एरिया इट्सेल्फ इज प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बराबर है ना, आर स्क्वायर, ये याद रखना. तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया आर एस टू फोर, और वापस से क्या आ गया आर स्क्वायर अपॉन, ये हमने कल किया था राइट, विच आर नॉट पुट इन द प्रीवियस रिकॉर्डिंग, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन में करेक्शन है, बिकॉज करेक्शन है. तो अगर मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट लेता हूं ना तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर मैंने कांस्टेंट ले लिया तो व्हाट हैपेंस इज ये आएगा नहीं और ये भी आएगा नहीं, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट लेता हूँ तो. तो एज आई टोल्ड यू द लास्ट सेशन कि ये क्वेश्चन में करेक्शन है, तो रेजिस्टेंस को तुम अगर कांस्टेंट लोगे मतलब ये इक्वेशन यहाँ से हटाओगे ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं होगा. गुड, क्योंकि अभी रेडियस तुम हाफ करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को क्वाड्रपल करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड द पावर विल रिमेन सेम. तो क्वेश्चन में करेक्शन था और है, तो सिर्फ अंडर दिस कंडीशन इफ आई टेक रेजिस्टेंस टू बी कॉन्स्टेंट ओनली देन दिस क्वेश्चन विल बी, आई मीन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ऑप्शन नंबर आएगा बी, बट रिमेंबर कंडीशन वॉज दैट द रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा. गुड, सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर टेंथ जो था वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस था तो मैंने हटा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे अब. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज स्टोर्ड 648 जूल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन अ करंट ऑफ 9 एम्पियर एग्जिस्ट इन इट्स कॉइल. व्हाट एवरेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इफ द करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन 0.45 सेकेंड्स. तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड इज 648 जूल, कब, व्हेन द करंट वॉज 9 एम्पियर. व्हाट एवरेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एवरेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इफ द करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो. करंट अगर जीरो हो गया, और करंट जीरो कितने टाइम में हो रहा है, 0.45 सेकेंड्स में. तो बेसिकली इनिशियल करंट इज 9 एम्पियर, फाइनल करंट इज जीरो, टाइम डीटी इज इक्वल टू 0.45 सेकेंड्स. आपको पूछा है व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो इफ यू रिमेंबर ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, और अगर आपको याद होगा ये जो डी फाइव बाई डी टी होता है दिस इज एल आई, तो यू हैव ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. अब ये डी आई बाई डी टी तुमको मिल जाएगा, डी आई बाई डी टी इज फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन टाइम. फाइनल करंट दिया, इनिशियल दिया, टाइम दिया है, आपको एल चाहिए. अब एल कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो एनर्जी बताया है ना इनिशियल केस में,
एनर्जी स्टोर्ड इज 648 जूल बट एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ एल आई स्क्वायर, करेक्ट। तो एनर्जी स्टोर्ड इज 648 1 बाय 2 एल 9 का स्क्वायर, क्योंकि जब करंट 9 एम्पियर था तब एनर्जी 648 था। इसको सॉल्व कर लो तो 648 इक्वल टू 81 बाय 2 इंटू एल, गुड 16 सब सॉल्व करके, ओके गुड। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 8 जा, तो यू हैव एल इक्वल टू 16, 16 हेनरी का इंडक्टेंस है, तो एल की वैल्यू 16 आ गई, तो पुट इट हियर, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू -16 माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी दिस इज -16 और फाइनल करंट इज 0 आई टू माइनस आई वन अपॉन डी टी, तो ये आ गया आपका -16 0 माइनस 9 अपॉन 0.45 4500 एम्पीयर्स टू ऑफकोर्स -2, तो 16 9 जा और ये ऊपर आ गया 100, गुड। तो 16 9 जा तो 9 1 जा 9 5 जा 1 जा एंड 5 जा 100 बाई 5 इज 20, 20 इंटू 16 इज हाउ मच 320, तो 320 वोल्ट का ईएमएफ आना चाहिए, 320 वोल्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 टर्न्स इज वाउंड ओवर 1 सेंटीमीटर, देयर इज अ कंडक्टिंग वायर, देयर इज अ कंडक्टिंग वायर उसमें 100 टर्न्स है, इट इज वाउंड ओवर 1 सेंटीमीटर नियर द सेंटर ऑफ अ सोलेनोइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस हैविंग 1000 टर्न्स, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज, तो पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो, एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें 100 टर्न्स है, इट इज बाउंड ओवर 1 सेंटीमीटर, ओवर 1 सेंटीमीटर मतलब क्या, रेडियस की लेंथ, ओके देखते हैं कहां पे बाउंड किया, नियर द सेंटर ऑफ सोलेनोइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, तो जो सोलेनोइड था उसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस, सोलेनोइड का रेडियस है 2 सेंटीमीटर हैविंग 1000 टर्न्स, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इज, तो सिंपल क्वेश्चन है, से पता होना चाहिए क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं वो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, तो यू हैव अ सोलेनोइड, एज यू नो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड इज बेसिकली अ कोर, कोर के ऊपर होता है वाइंडिंग, इसके ऊपर वाइंडिंग है, तो देयर इज दिस वाइंडिंग ऑफ वायर, ओके गुड, तो इसमें से जब करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अंदर, नियर द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू जीरो एन आई, वैसे हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि इसके सेंटर के पास में एक कॉइल है, कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, लेट अस से कॉइल, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बोल दूंगा एन टू, और जो वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे उसको बोल दूंगा मैं एन वन, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को बोल दूंगा मैं कैपिटल एन वन, गुड। आपको पूछा है व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस का पता है, सफिशिएंट है, सेल्फ इंडक्टेंस का इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स एल बाय एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए, तो एल बाय एल इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए, एक एल हो गया कैंसल, तो एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, इतना भी पता है तो हो जाता है, क्यों, वो सेल्फ इंडक्टेंस था, सेल्फ इंडक्टेंस में उसी कॉइल में करंट चेंज होता है और उसी में फ्लक्स चेंज होता है, उसी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो एक ही चेंज करना, सिर्फ एक चेंज, ये जो एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर इसको लिख लेना एन इंटू एन, और इधर लिख लेना एन वन, इधर लिख लेना एन टू, तो दो कॉइल बन गए, और एल की जगह पर लिख देना कैपिटल एम, बन गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, do not unnecessary waste your time and memory to remember formulas, so you have m equal to mu 0 n 1 n 2 a by l, ho gaya, then just put values and solve, abhi area kya hota hai aapko pata hi hai, what is area, pi r square, so mu 0 n 1 n 2 pi r square by l, mu 0 ki value kitni aayegi, 4 pi into 10 raised to minus 7, number of turns इन द सोलेनोइड कितना दिया हुआ है, 1000, कितना है 1000, 1000 इज 10 रेस टू 3, एंड इन द कॉइल कितने हैं, कॉइल में टर्न्स 100, तो 10 रेस टू
टू, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रेडियस था 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एस 2 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू माइनस 4, रेडियस था 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 टू माइनस 4 डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ लेंथ क्या लोगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर चलो लेके देखते हैं क्या आता है, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर तो इसको मैं इधर 1 लिख देता हूँ, देखो आंसर क्या आता है, लेट अस चेक। सबसे पहले ये 10 रेज टू माइनस माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 और प्लस 5 माइनस 6, माइनस 6 वेरी गुड, माइनस 6 ओके, तो m इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू 10 रेज टू माइनस 6, पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली रफली 10 मान लो तो 4 इनटू 10 रेज टू माइनस 5, 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 के आसपास आंसर है क्या? नहीं है, गुड। तो 4 क्या वो 4 रह गया ना, तो 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर मतलब बेसिकली 160 और वो 10 रेज़ टू क्या था माइनस 6 था, माइनस 11 प्लस 5 था, तो ये आ जाएगा आपका हाउ मच 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 या फिर 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, तो 1.58 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सोलेनाइड्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टेंट हो गया, हैव देयर लेंथ एंड देयर रेडाई इन द सेम रेशियो 1:2, तो दो सोलेनोइड है दोनों का लेंथ का रेशियो L1 by L2 और रेडाई का रेशियो R1 by R2 सेम है 1:2 और दोनों का एक टर्म नंबर ऑफ टर्न्स सेम है तो n कांस्टेंट है और आपको पूछा है रेशियो ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंसेस, रेशियो ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंसेस, अभी सेल्फ इंडक्टेंस देखा ना आपने क्या था U0 n स्क्वायर a, a मतलब पाई r स्क्वायर अपॉन अपॉन l, अभी देखा ना ये फॉर्मूला U0 n स्क्वायर a अपॉन l, a इज पाई r स्क्वायर, इसमें भी कांस्टेंट क्या हो गया म्यू जीरो हो गया, एन हो गया और पाई हो गया, है ना, एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स इज सेम, तो एल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय स्मॉल एल, गुड। तो एल वन बाय एल टू इक्वल टू आर वन बाय आर टू का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर को, इनवर्सली था लेंथ को, तो आर वन बाय आर टू, आर वन बाय आर टू कितना है 1:2, तो 1:2 का स्क्वायर, और एल टू बाय एल वन क्या है 2 है, तो 1:2 ही आएगा रेशो 1:2 ऑप्शन ए, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स, एडजेसेंट जब भी हो तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही क्वेश्चन हो सकता है और आगे बोला भी होगा, बोला हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2.5 हेनरी, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 40 एम्पियर इन 0.8 सेकंड्स, 0 मतलब इनिशियल 0 फाइनल 40, तो टोटल चेंज करंट इज 40 एम्पियर, कितने टाइम में 0.8 मतलब di/dt विल बी 400/8 दैट इज 50, तो 50 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट चेंज हो रहा है, देन द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल इज, तो एक करंट एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है दूसरे में फ्लक्स कितना लिंक्ड हो रहा है ये आपसे पूछा है, तो हाउ टू फाइंड दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, कैसे करोगे
एम इक्वल टू ओके ए अपॉन डी आई बाई डी टी फाइन। तो ए इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी था, ये सेकेंड कॉइल में इंड्यूस हो रहा है तो करंट फर्स्ट कॉइल में चेंज हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा होता है, तो एम होता है ई टू अपॉन डी आई वन बाई डी टी। सही है। अभी ई टू इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, राइट, करेक्ट, गुड। तो आपको अभी पहली बात तो एम दे दिया था, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी बता दिया है, आपको क्या पूछा था, सिर्फ चेंज इन फ्लक्स। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर वन में इक्वेशन नंबर टू सब्स्टिट्यूट कर दो, डी डी टी कैंसिल हो जाएगा अपने आप। तो यू विल हैव एम इक्वल टू ई टू, ई टू इज डी फाइव बाई डी टी अपॉन डी आई वन बाई डी टी। सही है ना, सिर्फ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कीप ऑन वेरीफाइंग ईच स्टेप, तो कैंसिल हो गया, तो आपको डी फाइव मिल जाएगा एम डी आई, डी फाइव विल बी इक्वल टू एम डी आई वन, करेक्ट, वाइट एम 2.5, आई वन इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल करंट, तो फाइनल करंट इन द प्राइमरी माइनस इनिशियल करंट, तो 2.5 फाइनल करंट कितना था 40 और ये कितना था 0, 40 इंटू 2.5 100 हो गया ना, तो 100 वेबर इज द फ्लक्स, 100 वेबर इज द फ्लक्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने अभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड विद डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज 10^-2 मीटर, हैज 2000 टर्न्स, इसमें दो नहीं एंड 2000 टर्न्स, एंड 2000 टर्न्स हैज अ सेकेंडरी कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल मतलब जो अंदर होता है ये, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो एक काम करता हूँ, ये डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, तो हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल उसमें टर्न्स कितने हैं, थाउजेंड्स है, वाउंड क्लोज इन नियर इट्स मिड पॉइंट, तो सोलेनोइड के एक्सिस के पास में सेकेंडरी कॉइल था, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इज, अभी मैंने बताया, तो आई डोंट थिंक वी शुड बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला एंड लिव इट फॉर यू एज एन असाइनमेंट, तो म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन एल, आपको एन वन पता है 2000, एन टू पता है 1000, उसके बाद एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, आर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर का, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्व, सो आई विल कीप दिस एज अ पार्शियल असाइनमेंट फॉर यू, क्यों, क्योंकि अभी तो किया इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, तो इट इज हाफ डन, कैलकुलेशन आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बाय अ चेंज ऑफ करंट फ्रॉम 5 एम्पियर टू 10 एम्पियर, तो करंट 5 से 10 हो रहा है, तो चेंज इन करंट इज टोटल 5 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, डी आई बाई डी टी 0.1 सेकेंड, तो 5 by 0.1 इज 50, अगेन 50 एम्पियर पर सेकेंड का चेंज है, द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ मतलब आपको इंड्यूस ईएमएफ दे दिया 10 वोल्ट का, द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी, बाय द वे व्हाट इज मैग्नेटिक एनर्जी इफ यू रिमेंबर, हाफ एल आई स्क्वायर, जब चेंज बोला हो ना डेल्टा यू, तो ये होता है, अब डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, पहले करंट कम था अब करंट ज्यादा है, तो क्या करना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ज्यादा है, तो हाफ एल आई फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एल आई इनिशियल स्क्वायर, तो यहाँ से आप हाफ एल कॉमन निकाल लोगे, आई फाइनल स्क्वायर माइनस आई इनिशियल स्क्वायर, आपको आई फाइनल पता है, आपको आई इनिशियल पता है, आपको एल पता नहीं, तो एल कैसे फाइन करोगे, उसके लिए आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं, यू हैव बीन गिवन व्हाट इज इनिशियल करंट 5 एम्पियर, यू हैव बीन गिवन व्हाट इज फाइनल करंट 10 एम्पियर, यू हैव बीन गिवन व्हाट इज टाइम इन विच द चेंज हैज ऑकर्ड, दैट इज 0.1 सेकेंड, यू हैव बीन गिवन वन एक्स्ट्रा थिंग, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, कितना ईएमएफ था 10 वोल्ट का, तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऐसा कर सकते हो, लेना है तो मॉड भी लेना बाद में, ये 10 है माइनस एल डी आई, व्हाट इज डी आई 5 और टी टी इज 0.1, तो मैंने बता दिया था ये कितना आ गया, कितना आ गया 1/5 हो गया ना, अरे ये इधर आएगा,
पॉइंट वन इंटू टेन इज वन, ये फाइव इधर आ जाएगा तो एल आ जाएगा वन बाय फाइव, माइनस साइन छोड़ दिया मैंने, माइनस साइन छोड़ दिया क्योंकि मैंने मॉड ले लिया, तो कितना आ गया एल 0.2, एल 0.2 आ गया तो चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी विल बी हाफ इंटू 0.2, ये एल की वैल्यू 0.2 थी, फाइनल करंट था 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये भी हो गया 0.1, दिस इज 100 माइनस 25, दैट इज 75 इंटू 0.1 इज 7.5, तो 7.5 जूल इज द चेंज इन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन बट अगेन विद अ करेक्शन. इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 mH, करंट चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन I इक्वल टू टी स्क्वायर आई टी रेस टू माइनस टी. ये जो I है ये मिसप्रिंट है, ये नहीं होना चाहिए इधर. गुड, एट व्हाट टाइम EMF इज जीरो. तो इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 2 mH का है, उसका जो करंट है वो चेंज हो रहा है एज पर द रिलेशन I इक्वल टू टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी. अभी I क्यों नहीं होना चाहिए, देखो करंट टाइम पर डिपेंड कर रहा है वो तो समझ में आया, लेकिन वो जो स्मॉल I है वो क्या है पता नहीं, मैंने कहीं नहीं बताया व्हाट इज स्मॉल I, तो इसके लिए वो नहीं होना चाहिए ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है. देखते हैं, आपको पूछा है एट व्हाट टाइम EMF इज जीरो. सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड EMF इज माइनस एल डी आई बाई डी टी. अगर EMF जीरो होना है तो डी आई बाई डी टी जीरो होगा. क्यों? क्योंकि ये जीरो लिख दोगे माइनस एल डी आई बाई डी टी और फिर इसको शिफ्ट कर दोगे तो डी आई बाई डी टी कितना हो गया जीरो, क्योंकि एल तो जीरो हो नहीं सकता. एल ये कॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, करंट पास हो या नहीं हो इंडक्टर इंडक्टेंस की वैल्यू जीरो नहीं होती है कभी, कॉइल है तो इंडक्टेंस है, तो जीरो डी आई बाई डी टी हो सकता है. अब ये जो आई है इसको सिर्फ मैं कैपिटल आई लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उसको कैपिटल आई लिखा हुआ है. ठीक है, अभी आपके ऊपर सिर्फ डेरिवेटिव लेना है. कैपिटल आई का डेरिवेटिव क्या है? टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी का डेरिवेटिव. तो ये जो आ जाएगा यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल, तो टी स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस टी प्लस ई रेस टू माइनस टी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर. e रेस टू माइनस टी का डेरिवेटिव होता है e रेस टू माइनस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी दैट इज माइनस वन. ये एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव देना भूल मत जाना. और e रेस टू माइनस टी एज इट इज टी स्क्वायर का आता है 2t इक्वल टू जीरो. वेरी गुड, गुड, डन. अब ये जो नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, नेगेटिव ये टी स्क्वायर है, आई नो दिस इज टी स्क्वायर. ये जो टी स्क्वायर ये नेगेटिव हो गया क्या, इसको वहां भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा. e रे टू e रेस टू माइनस टी टी इसको वहां शिफ्ट कर दिया तो टी स्क्वायर e रेस टू माइनस टी बराबर. ओके, माइनस का वो प्लस हो गया, सही है. एक बार देख लो वापस, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा. है क्या सही है क्या? यस. तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर. द सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल, सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स एन इंक्रीजेस एस एल एंड ए इंक्रीजेस, एल डिक्रीजेस, ए इंक्रीजेस, एल इंक्रीजेस, ए डिक्रीजेस, बोथ एल एंड ए डिक्रीज. सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल. अब इन्होंने बोला है कि एन कॉन्स्टेंट है, फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स है, तो दिख ही रहा है एल इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो एल इंक्रीज होने के लिए स्मॉल एल मतलब लेंथ को डिक्रीज होना पड़ेगा और ए को इंक्रीज होना पड़ेगा. कहाँ पे है ऑप्शन एल डिक्रीज एंड ए इंक्रीज, ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन, गुड. अब ये क्वेश्चन पूरा थोड़ा अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे जाके तुमको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किटाइज करने में काम में आएगा. द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी में व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस. तो आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि जितने भी इंडक्टर है फॉर्चुनेटली सारे के सारे सेम वैल्यू के हैं. क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है, ये इट इज डन, ओरल क्वेश्चन है ये, 100 आना चाहिए आंसर. ठीक है, देख लेते हैं. अभी ऐसा है ना, ये ए पॉइंट है और ये पूरा वायर सेम है, तो जब पूरा वायर सेम होना तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा.
ये ए है तो यहाँ भी ए पोटेंशियल है, यहाँ पे भी ए पोटेंशियल है, मतलब इट इज लाइक ए पॉइंट एट सेल, तो यहाँ पे भी ये ए है और ये पूरा वायर बी है, तो बी है, दिस इज बी, ओके। एंड इफ यू सी, ये जो पहला इंडक्टर है, मैं एल वन बोल देता हूँ, ये कौन से पॉइंट के बीच में है, ए एंड बी, ये दूसरा एल टू ए एंड बी, ये तीसरा एल थ्री ए एंड बी, ये चौथा एल फोर ए एंड बी, तो चारों इंडक्टर दे आर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इसका मतलब दे आर लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑल द कंपोनेंट्स आर बिटवीन द टू कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। तो ये ऐसा हो गया, दिस इज सिंप्लीफाइड डायग्राम, तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये आ गया आपका ए और ये आ गया बी। अब मैंने वन हेनरी क्यों बोला, क्योंकि देखो वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इज वन बाय एल वन प्लस वन बाय एल टू प्लस वन बाय एल थ्री प्लस वन बाय एल फोर, क्यों करना है तुमको अगर आपको याद होगा तो, वन बाय एल इक्विवेलेंट इज एन बाय एल, अगर सारे के सारे इंडक्टेंसेस की वैल्यू सेम होगी तो, सेम नहीं होगा तो वन बाय एल वन प्लस वन बाय एल टू वन बाय एल थ्री, वो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन सेम है तो सीधा सीधा एल बाय एन, एल कितना था 4, एन कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा 1 मिली हेनरी। हेनरी में दिया है क्या, फिर हेनरी, मैंने यहाँ पे मिली हेनरी लिखा तो हटा देता हूँ इसको मैं, क्योंकि आंसर हेनरी में है, तो ठीक है हेनरी, 1 हेनरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड इज 0.18 मिली हेनरी इफ अ कोड, क्रोड क्या बोलना चाहते हैं लोग समझ में नहीं आ रहा, इनको ऐसा बोलना होगा इफ अ कोर, क्रोड नहीं, इफ अ कोर ऐसा इनको बोलना होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है वैसा ही होगा, तो इफ अ कोर, इफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयन ऑफ रिलेटिव परमियाबिलिटी 900 इज इंसर्टेड देन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम नियरली, वेरी गुड गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लेकिन अच्छा है। तो ये क्यों क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि मैं तुमको अभी बताया, नॉर्मली क्या होता है कि जब तुम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हो तो एक कॉइल होता है राइट, या फिर सोलेनोइड होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग होता है, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं कि वो सोलेनोइड के अंदर कोर में क्या था, तो नॉर्मली इट इज एयर कोर, कॉइल जब तुम बनाते हो अंदर खाली स्पेस होता है ना, तो वहां पे कौन होता है एयर, तो नॉर्मली जब तुम ऐसा लिखते हो एल इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, तो एक्चुअली यू आर राइटिंग डाउन वन ईयर, क्योंकि दैट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ एयर, रिलेटिव परमियाबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बोला जैसा कैसा वन बता देता हूँ कोई बात नहीं, यू नो व्हाट इज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, एग्री टू दिस है ना बराबर, तो व्हाट इज म्यू आर, म्यू बाय, अगर अगर कोर में एयर है, कोर में एयर है तो मटेरियल कौन है, एयर है, अगर मटेरियल एयर है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा वन, तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर इज वन, हम लोग इसलिए लिखते नहीं है वहां पे, अगर एयर की जगह पे कुछ और होगा कोर में समथिंग एल्स, तो उस केस में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे म्यू आर, क्या लिखोगे म्यू आर, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, तो मैं इसको एल डैश बोल देता हूं, हो गया, तो एल डैश इक्वल टू म्यू आर को बाहर निकाल लो, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल कर लो, व्हाट इज दिस एल, तो एल डैश इज म्यू आर इनटू एल, अगर क्वेश्चन में बाकी कोई पैरामीटर चेंज नहीं किए है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना, नहीं तो कभी कभी बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज करो, लेंथ भी चेंज करो, इधर फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि जो हमारे पास इंडक्टर था उसमें हमने सॉफ्ट आयन कोर इंसर्ट कर दिया, तो हमको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एल डैश इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू भेज दे दी है 900, और ये कितना था 0.18 मिली हेनरी, ऐसा ही था ना 0.18 था ना, यस, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं है, दो पॉइंट हटा दो, ये दो जीरो हटा दो, 189 था 162, 180 में से 118 माइनस कर लेना ना, 162 मिली हेनरी, 162 मिली हेनरी, और यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैपिटल एम इज नॉट मिली इट इज मेगा, तो एक तो स्मॉल एम करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी आएगा विथ स्मॉल एम।
चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज 0.5 हेनरी। कैपिटल एन की वैल्यू दे दी आपको। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स आर 20 ओम एंड 5 ओम। प्राइमरी का रेजिस्टेंस 20 है, सेकेंडरी का 5 ओम है। टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन द सेकेंडरी, IS की वैल्यू दे दी आपको। सेकेंडरी का करंट कितना होना चाहिए? 0.4। करंट इन द प्राइमरी मस्ट बी चेंज एट अ रेट ऑफ। तो अगर मुझे सेकेंडरी में 0.4 एम्पियर का करंट चाहिए तो मुझे पहले मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट कितने रेट से चेंज करना होगा। तो जिनके कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब तक तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा यू विल नेवर एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास दो कॉइल्स थे, एक को तुमने बोला था प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। दे आर केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी से तुम देते हो इनपुट, मतलब करंट बेसिकली होता है प्राइमरी में, गुड। और सेकेंडरी से तुम लेते हो आउटपुट। अगर मैं प्राइमरी का करंट चेंज करता हूँ तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड उसके खुद के साथ तो लिंक्ड है ही, लेकिन सेकेंडरी के साथ भी लिंक्ड है। तो देर इज चेंज इन फ्लक्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो प्राइमरी में EMF इंड्यूस करेगा, वो होगा सेल्फ इंड्यूस EMF, क्योंकि करंट प्राइमरी में चेंज हो रहा था और EMF भी प्राइमरी में इंड्यूस हुआ, दैट इज सेल्फ इंड्यूस EMF। लेकिन प्राइमरी में करंट चेंज होने की वजह से, प्राइमरी का फील्ड चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हुआ दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, राइट? यहां तक क्लियर? अब आपको पूछा क्या है पहले अच्छे से देख लो, दिया क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दी है। यू हैव बीन गिवन म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू M। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। M दे दिया आपको, कितना है M? 0.5 हेनरी। उसके बाद आपको बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इज 20 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी इज 5 ओम, ये बताया है। टू जनरेट अ करंट ऑफ, हमको सेकेंडरी में करंट IS चाहिए था, कितना? 0.4 एम्पियर का। तो व्हाट एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट मतलब व्हाट शुड बी द चेंज इन करंट इन प्राइमरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पूछा है, सही है, गुड। तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? इक्वल टू MdI/dt, वेरी गुड। ये E सेकेंडरी का है, ये प्राइमरी का है, यहां तक तो इजी था। तो तुमको DIP/dt का फॉर्मूला मिल गया, तो इट इज बेसिकली ES/m। m पता है, ES, ES, I/R, V इक्वल टू IR, तो I इंटू आर, V इक्वल टू IR होता ना, तो ओम्स लॉ लगा दो सीधे सीधा, IS/RS/m। IS पता है, यस। RS पता है, यस। m पता है, यस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज IS? 0.4। व्हाट इज RS? 5। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? 0.5। खत्म। 4 आंसर आना चाहिए, क्योंकि 1 जा एंड 10 जा, तो 0.4 इंटू 10 इज 4 एम्पियर पर सेकेंड। 4 एम्पियर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अ सोलेनोइड हैज 2000 टर्न्स वाउंड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.3 मीटर। इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन अ कॉइल ऑफ 300 टर्न इज वाउंड। इफ एन इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इन द सोलेनोइड इज रिवर्स्ड, इंपॉर्टेंट है, रिवर्स्ड इन 0.25 सेकेंड, the EMF induced in the coil is equal to, तो ये क्वेश्चन हमने करके रखा है इस टाइप का, बट आई जस्ट डू इट अगेन। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। वैसे by the way आपको पूछा क्या है? induced EMF in the coil, induced EMF in the coil, okay? तो induced EMF in the coil is basically MdI/dt, ये mutual inductance का केस है। coil में EMF इंड्यूस पूछा है, करंट किसमें चेंज हो रहा है? प्राइमरी में, प्राइमरी इज सोलेनोइड, करेक्ट? ऐसा ही है, गुड। अब ये M का फॉर्मूला आपको पता ही है, यू नो व्हाट इज M, ऑफ कोर्स म्यू जीरो
n1 n2 a by l into dis by dt. ये जो dis है, that is final current minus initial current. Final current किसमें? Solenoid में. यहाँ पे primary solenoid होता है, secondary coil होता है, पता होना चाहिए, upon dt. Correct? Good. अब mu zero की वजह तो तुमको पता है ही, 4 pi × 10⁻¹⁷ number of turns in primary, that is solenoid. ये n1 मतलब solenoid है, n2 मतलब coil है, ये तुमको भी पता होना चाहिए. What is number of turns in solenoid? 2000 × 10⁻³. What about coil? How many turns? 300. That is 3 × 100. Very good. Then, उसके बाद रह गया आपका एरिया. एरिया डायरेक्टली दे दिया इस बार, तो एरिया हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया, सीधा सीधा एरिया बता दिया. तो सीधा सीधा एरिया कितना बता दिया? 1.2 × 10⁻³. 1.2 × 10⁻³. I2 − I1. अभी I2 − I1, what is final current? What is initial current? कितना बताया ना कुछ? 2. तो 2 बोला है, और बोला है रिवर्स कर दिया, −2 हो जाएगा. तो बेसिकली ऐसा है कि ये I2 क्या है? −2 है, और I1 क्या है? 2 है. और ये रिवर्स कितने टाइम में किया? 0.25 सेकेंड्स में. तो 0.25 सेकेंड्स में, 0.25 इज 1/4. गुड. और L रह गया, L कितना है? L 0.3, मतलब 3 × 10⁻¹⁰. तो 3 × 10⁻¹⁰. तो अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. लुक, 10⁻¹⁷, 3, मतलब −4, −4 +2, −2, −2 और −3, −5, उसमें से एक नीचे −1 था, तो −4. तो ये 10⁻¹⁴ आ गया. देन ये 3 और ये 3 कैंसल हो गया. ओके, 4 और 4, 16, उसको 16 देखो फिलहाल, 16 × 2, 32 और ये 4 पाई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 pi × 1.2 × 32, सही है ना? 4, 4, 16, 16 और 2, 32, 4 पाई था, और वो 1.2 बाकी है, 1.2 बाकी है. अब देखो ऐसा है, 4 पाई इज अप्रोक्सीमेटली 12.5, राइट? 32 × 1.2 इज अप्रोक्सीमेटली 35, क्योंकि 32 × 1 इज 32, 32 × 0.2 अगर मैं करता हूँ तो 6 हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 6.5 होता है. तो 32 में 6.5 ऐड कर लिया, कितना हो गया? 38 के आसपास ले लेता हूँ, 38.5 समथिंग, दैट्स ओके, बराबर, क्लियर? 10⁻⁴ साथ में है, 10⁻⁴ साथ में है. 38 × 10 इज 380, और ऊपर का जो 2.5 बचा, तो 38 × 2.5 को मैं 40 × 2.5 कर लेता हूँ, मतलब 100 बन जाता है. तो 380 में 100 ऐड कर लो, 480, 480 × 10⁻⁴, मतलब 4.8 × 10⁻², के आसपास, 4.8 × 10⁻², के आसपास हमारा तो एक्यूरेटी आ गया, आसपास क्या एक्यूरेटी हो गया. ऑप्शन बी. कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ ठीक, बी है. तो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा आज से कैलकुलेशन का स्पीड कम किया है. यू हैव टू कोप अप विद द स्पीड, धीरे धीरे बढ़ाएंगे.
चलो क्विक 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 क्विक, नहीं तो फिर ये सारे स्टेप्स छोड़ दो, डायरेक्ट आंसर लिख लो, घर पे कैलकुलेशन कर लेना। वी आर इनटू क्रैश कोर्स, तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम ऑलरेडी एक दिन डिले चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अ सोलेनोइड हैज 2000 टर्न्स वाउंड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.314 मीटर अराउंड इट सेंट्रल सेक्शन, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1×10⁻³ मीटर स्क्वायर इज वाउंड। इफ द इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पीयर इन द सोलेनोइड इज रिवर्स इन 0.25 सेकेंड द ईएमएफ इंड्यूस। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम वापस सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमने ऑलरेडी इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो दैट इज व्हाई इट विल गो एज एन असाइनमेंट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गुड, दिख तो रहा है गुड, देखते हैं क्या बोला है। टू डिफरेंट कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस L1 व्हिच इज 8 मिली हेनरी एंड L2 व्हिच इज 2 मिली हेनरी। तो 8 मिली हेनरी और 2 मिली हेनरी के दो कॉइल्स है। द करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, तो दोनों में से एक कॉइल में जो करंट है वो हमने इंक्रीज किया एट अ कॉन्स्टेंट रेट। द करंट इन द सेकेंड कॉइल इज ऑल्सो इंक्रीज एट द सेम रेट, सेकेंड कॉइल में भी हम लोगों ने करंट इंक्रीज किया एट द सेम रेट। एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द टू कॉइल्स इज द सेम, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों को जो पावर मिला है वो भी सेम है। एट दैट टाइम द करंट द इंड्यूस वोल्टेज एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कॉइल आर I1, V1 and W1 रिस्पेक्टिवली। Corresponding values for the second coil at the same instant are I2, V2 and W2 respectively. Then choose incorrect option, wrong option पूछा है आपसे। तो अच्छा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पूरा अच्छे समझ लो पहले वापस एक बार। हमारे पास दो कॉइल्स है, मैं काम करता हूँ जस्ट टू कीप थिंग्स वेरी क्लियर, मैंने यहाँ पे ऐसा कॉलम बना लेता हूँ, कॉइल वन कॉइल टू, जस्ट टू हैव लिटिल क्लैरिटी अबाउट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। पहले कॉइल का L1 है 8 मिली हेनरी और इसका है 2 मिली हेनरी, ऐसा है गुड। अब बोला है कि द करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, द करंट इन द सेकेंड कॉइल इज ऑल्सो इंक्रीज एट द सेम रेट, मतलब DI/DT ऑफ फर्स्ट कॉइल एंड DI/DT ऑफ सेकेंड कॉइल इट इज सेम। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं कांस्टेंट, तो जो जो दोनों में कांस्टेंट है वो मैं सेंटर में लिख रहा हूं, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड विच पैरामीटर्स आर सेम एंड विच आर नॉट सेम। आगे बोला है एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द टू कॉइल इज द सेम, भाई पावर भी सेम हो गया। देन एट दैट टाइम द करंट द इंड्यूस वोल्टेज एंड द एनर्जी स्टोर्ड, करंट इन द फर्स्ट कॉइल I1, उसके बाद क्या बोला है इंड्यूस वोल्टेज V1 जिसको हम E बोलते हैं उसको ये V बोल रहे हैं, और एनर्जी इज W1 जिसको हम U बोलते हैं उसको W बोल रहे हैं। वो जानबूझ के करते हैं ऐसा तुमको कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं होता तो मैं इसको इधर ही E1 और इसको U1 लिख देता बिकॉज आई एम मोर फैमिलियर विद दिस नोटेशन। और उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे करंट है I2, वोल्टेज है V2 विच इज E2 फॉर मी एंड वर्क डन इज W2 विच इज U2 फॉर मी। गुड, देन चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये चार ऑप्शन है, एक तो करंट का रेशो है, दो करंट के रेशो है, एक वर्क डन का मतलब एनर्जी स्टोर का रेशो है और एक ईएमएफ का रेशो है, तो इन चारों में से क्या करेक्ट नहीं है ऐसा आपको पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो हाउ यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, चलो मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। दो अलग अलग कॉइल है, कहीं भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का वर्ड भी यूज नहीं किया, मतलब दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग ही देखते जाओ। ओके, तो सबसे पहले लेट अस चेक अबाउट वोल्टेज, क्योंकि मुझे पता है ना ई मतलब वी क्या होता है, -DL/DT बराबर करेक्ट, लेकिन दोनों का ये वाला पैरामीटर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू L, तो मैं E1/E2 मतलब V1/V2 अगर लेता हूं तो क्या आएगा L1/L2, L1 कितना है 8, L2 कितना है 2, तो रेशो क्या आ गया 4, मतलब V1/V2 का रेशो इज 4, V2/V1 इज 1/4, तो ये करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है राइट, तो ऑप्शन नंबर D नहीं हो सकता।
अब बचा ए बी और सी। अब द आइडिया हियर इज करंट, करंट का रेशियो कैसे निकालोगे? पावर इज कांस्टेंट, वेरी गुड, पावर इज कांस्टेंट। तो आगे बताओ, आई स्क्वायर बाय आर नहीं यूज होगा, रेशियो नहीं पता। हाँ मतलब P इक्वल टू ई आई अगर याद होगा तो पावर कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट होने की वजह से, पावर कांस्टेंट होने की वजह से E इंटू आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब E एंड I आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, वेरी गुड। और E का तो रेशो है ना तुम्हारे पास, तो I का मिल जाएगा। तो व्हाट इज I1 बाय I2? E2 बाय E1, सही है। तो I1 बाय I2 is E2 by E1. What is E2 by E1? तो यहां पे क्या लिखूं मैं अब? 1 by 4, पक्का ना? No confusion? 1 by 4. तो 1 by 4. I1 by I2, 1 by 4. ये करेक्ट है? अगर ये करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil of mean area 500 cm square, that is 5 into 10 raised to minus 2 meter square, क्योंकि 500, 5 into 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया 10 raised to minus 4, तो 5 into 10 raised to 2 into 10 raised to minus 4, मतलब 5 into 10 raised to minus 2, having 1000 turns is held perpendicular to uniform field of 0.4 gauss. अब ये गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करते आना चाहिए, 10 raised to minus 4. When you convert from Gauss to Tesla, it is 10 raised to minus 4. When you convert from Tesla to Gauss, it is 10 raised to plus 4. The coil is turned through 180 degree in 0.1 second. The average induced EMF is, average include EMF, wah, include. So, we also include and exclude. We have included and excluded. And here we have written induced EMF. ओके ठीक है, गुड। तो नाइस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आपको इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, तो इंड्यूस ईएमएफ तो पता होगा ही, डी फाई बाय डीटी होता है विद नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। अब ये जो डी फाई बाय डीटी है, फ्लक्स, फ्लक्स इज बेसिकली डी डीटी ऑफ बी ए कॉस थीटा। यहां पे तुमने बी चेंज किया क्या? नहीं। तुमने एरिया चेंज किया? नहीं। तो ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा चेंज होने वाला है। अब ये ऐसा लिखना ही गलत है, आई शुड नॉट बी राइटिंग दिस वे। मैंने इसको ऐसा लिखना चाहिए, इंस्टेड आई शुड राइट डी फाई, मतलब फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डी टी। ओके, फाई टू इज ऑफकोर्स बी इंटू ए इंटू cos theta 2 minus b into a into cos theta 1, right? और एक चीज जो normally गलत होता है, बार बार होता है, वो ये single turn के लिए होता है। अगर आपको n turns दिए है ना, तो multiply by n करना ही पड़ेगा, do not forget this, upon dt। इसमें से अभी b और a निकाल लिया बाहर, तो cos theta 2 minus cos theta 1 upon dt हो गया, फॉर्मूला रेडी। अभी क्या वैल्यूज डालने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1000, मतलब 10 raised to 3। मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0.4 गॉस, मतलब 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, 0.4 × 10⁻⁴, तो 4 × 10⁻⁵। एरिया ऑफ द कॉइल मैंने बताया 5 × 10⁻²। इनिशियली कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था, मतलब कॉइल का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इनिशियल एंगल कितना है? 0। और फाइनल एंगल है 180, क्योंकि उन्होंने 180 से घुमा लिया, उसको टर्न कर लिया 180 से, तो 180 से घुमा लिया, तो फाइनल एंगल 180। हाउ मच टाइम इट टुक? 0.1, मतलब 10⁻⁻¹। तो E इक्वल टू माइनस, देखो अभी ऐसा है, पहले 10 के पावर सॉल्व कर लेते हैं, 3 और ये -5, -2 -2 -4, और नीचे एक -1 था तो गया, तो -3 -3 होगा ना। अरे ये 3 और ये 5, -2 -2 -2 -4, नीचे एक माइनस है तो एक गया, वो ये कितना हो गया? 4 5 20, cos of 0 1,
180 माइनस 1, वेरी गुड। तो ये हो गया आपके पास माइनस 20 इंटू 2 इंटू 10^2, तो ये आ जाएगा माइनस 40 मिली वोल्ट। या आप देखते भी दिया कैसा उसके ऊपर है, ऑप्शन बी है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.04 वोल्ट, ऑप्शन बी। ओके गुड, सो विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन फॉर टुडे।